नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर, आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया और भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्षी नेताओं को संविधान पढ़ना चाहिए। आपको बता दें, इंडिया बनाम भारत को लेकर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जिसमें जयशंकर जी ने जयशंकर जो कि भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के पहले अनुच्छेद में सीधे लिखा हुआ है, दैट इज इंडिया, इट इज कॉल्ड भारत। उन्होंने कहा कि देश के विपक्षी नेताओं को इसको पढ़ना चाहिए। वहीं पर आपको बता दें कि क्रिकेट के गोलकीपर जो कि अभी चीन जा रहे हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि भारत हमें प्यारा है और उन्होंने कहा कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, श्री जी पिल्लई, उन्होंने ये बात बोली। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत बनाम इंडिया को लेकर के सबसे बड़ा बयान अगर किसी ने दिया तो हेमंत विश्व शर्मा ने दिया। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सूरज और चांद जब तक जब से हैं तब से भारत में भारत कहा जाता है। उन्होंने कहा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये भारत रहेगा। फिलहाल इस भारत बनाम इंडिया के खेल में शरद पवार भी कूद पड़े और शरद पवार ने कहा कि ये संविधान बदलने की साजिश है। सुबह सुबह ही बुधवार के दिन मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार की भारत बनाम इंडिया की लड़ाई मुद्दों से भटकाने का सिलसिला है। मायावती ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया की। आपको बता दें, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान और इंडिया तो कहा जा सकता है लेकिन भारत सांप्रदायिक है। एक बड़ा बयान आया मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, आपको बता दें उनका नाम है मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत न कहना अच्छी बात नहीं है और इस संविधान के साथ छेड़छाड़ है। इसी प्रकार भारत को लेकर के और इंडिया को लेकर के ताबड़तोड़ लोगों के हमले हो रहे हैं। जी हां, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में। हिंदू धर्म को खत्म करने के बयान पर आपको बता दें कि यूपी के रामपुर में 2 FIR दर्ज हो गई है। आपको बताएं कि रामपुर के अंदर 2 FIR दर्ज की गई है, जिसमें आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा मामला आया जिसमें एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया और कहा कि हिंदू धर्म का उन्मूलन किया जाएगा, पूर्णतः खत्म किया जाएगा और उनकी बात का समर्थन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने भी बयान दिया और कहा कि बिल्कुल हिंदू धर्म की क्रूरियों को समाप्त करना होगा। और उन्होंने यही तक नहीं रुके, उन्होंने उदयनिधि का पूरा समर्थन किया। इसको लेकर के आपको बता दें कि रामपुर में 2 FIR दर्ज कर दी गई। जी हां, बिल्कुल 2 FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें आपको बताएं कि FIR अशोक कुमार शुक्ला जो कि SP, उन्होंने कहा दो वकीलों के कहने पर हमने ये FIR दर्ज कर ली है। उन पर जो FIR दर्ज की गई है उसमें वो 153A और 295A की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें इस बात की पुलिस में आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने ये FIR दर्ज कराई है, जिसपे उदयनिधि जो कि एमके स्टालिन के पुत्र हैं और वहां पर खेल एवं युवा कल्याण के मंत्री हैं तमिलनाडु के, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, वह भी वहां पर पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जी हां,